टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा आनंद कोलीवाड़ा से टीएमटी बस दीवा और भारत गेट से भिवंडी के लिए शुरू की जा रही है। परिवहन समिति सदस्य शमीम खान से कॉलेज के स्टूडेंट्स और कुछ आम जनता की मांग थी कि इन बसों की शुरुआत की जाए। आपको बता दें कि मुमरा फायर ब्रिगेड से भिवंडी के लिए जो बस चलाई जाती थी, ये बस अब भारत गेट से चलाई जाएगी। साथ ही आनंद कोलीवाड़ा से दीवा के लिए भी बस चलाई जाएगी। आज शमीम खान के ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें जफर नुमानी और मुफ्ती अशरफ साथ में एनसीपी पार्टी के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट शारिक शेख मौजूद थे। और लीगल एडवाइज़र शारिक शेख ने टीएमटी बसों की जो शुरुआत की जा रही है, इस पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। मेहनत की है कि ज्यादा से ज्यादा रूट्स पर बस चलाई जाए। इसके लिए उन्होंने सभापति साहब से बहुत सारी मीटिंग्स की और उनको एप्लीकेशन वगैरह भी दिए, जिसका रिस्पॉन्ड ये है कि चेन्नी कोलीवाला से सुबह के टाइम 8 बजे बस निकलेगी और वो दीवा स्टेशन तक जाएगी थ्रू खरड़ी में जो कॉलेज है तंत्र निकेतन, वहाँ होगी और वो रिटर्न बस आएगी 5:10। ये दो बसेस को स्पेशल स्टूडेंट बस नाम करके ऐसा संबोधित किया गया है इस लेटर में। और जो दूसरी बसेस हैं जो भिवंडी से आती थी, वो 9 बजे सुबह तक जितनी भी बसें आती थी भिवंडी से जो मुमरा पुलिस स्टेशन तक रुकती थी, वो अब भारत गियर तक जाएंगी, ठीक है। और बस उसमें एक्सटेंशन हुआ है भारत गियर से भिवंडी जाने के लिए 6:15, 7:08, 9 सुबह के टाइम पे ये 4 बसेस हैं। और वहाँ से आने के लिए सुबह 8:20 पे और 12:20 पे भिवंडी से यहाँ भारत गियर तक के लिए बस है। ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए और भिवंडी मुंबई मुमरा की कनेक्टिविटी को देखते हुए ये ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा किया गया है। शमीम भाई का शुक्रगुजार हूँ।